नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चिनिया क्लासेस पर। आज अपनी चर्चा करेंगे राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 के बारे में। तो ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 के आवेदन की जो तिथि है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो यदि आपने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और इन खेलों में भाग ले सकते हो। तो अब आपका यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, और पहली बात तो ये है कि आपको फॉर्म जो इसके लिए आवेदन है वो किस प्रकार से करना है, और यदि आपने आवेदन कर रखा है तो इसमें आपका चयन किस प्रकार से होने वाला है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ आ सके। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आता है, उपयोगी लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना भी हो उसके शेयर कर दें। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की उपयोगी जो वीडियो है, उपयोगी जो जानकारी है, वो आपको हम वीडियो के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख एक बार फिर 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले इसकी जो आवेदन की अंतिम जो डेट थी, अंतिम जो तारीख थी, दिनांक थी, वो 31 अक्टूबर थी। अब आप इसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। अब देखते हैं, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिर बड़ी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पंजीयन की तिथि, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पंजीयन की तिथि जो अंतिम तिथि है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। रुझान कम होने के चलते तीसरी बार इसकी तिथि को बढ़ाया गया है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर इन खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है, जबकि पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएँ नवंबर में ही व जिला और राज्य स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं वो दिसंबर व जनवरी में होना प्रस्तावित है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, यहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट है, क्रिकेट ना समझे, टेनिस बॉल क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग और खो खो महिला वर्ग की स्पर्धाएँ होने वाली है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पंजीयन की तिथि को 15 नवंबर तक बढ़ाया गया। इससे पहले 31 सितंबर थी, उसके बाद में फिर 15 अक्टूबर कर दिया और फिर इसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया, और अब एक बार फिर बढ़ाया गया, और अब इसके जो आवेदन करने की डेट है वो 15 नवंबर है। तो अब मुश्किल है कि इससे ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि नवंबर के इसके बाद में इसका आयोजन भी तो करवाना है, तो आगे कम समय बचेगा। तो ये अंतिम डेट है, और जिसने भी आवेदन अब तक नहीं किया तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजन 2021। पहले तो आपको आवेदन किस प्रकार से करना है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल ये आपको टाइप करना है, लिखना है, तो आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी और जहाँ पर इस प्रकार का लोगो लगा होगा, तो वो आपको डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद में आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपको जब उसके अंदर आप दर्ज कर दोगे, सबमिट कर दोगे, तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी जानकारी उसके अंदर मांगी जा रही है वो आप जानकारी सब उसमें भर दोगे। भरने के बाद में फॉर्म आपके पास नीचे आएगा, सबमिट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट किया गया। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आपको राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान RGOK लगा के या फिर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल लगा के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो। अब देखते हैं अन्य जानकारियाँ। आयोजित होने वाले खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, तो इसमें कौन कौन से गेम हैं ये इसमें दे रखा है, और जब आप इसके लिए आवेदन करोगे तो वहाँ पे भी आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी 4-5-6 गेम की, जिसमें से आपको कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करना है, कौन सी गेम में आपकी रुचि है, तो वो आप उसमें सेलेक्ट कर लोगे। तो कबड्डी, शूटिंग बॉल, बालक वर्ग, टेनिस, क्रिकेट, खो खो, बालिका वर्ग, वॉलीबॉल, हॉकी, ये गेम रहेंगे। तो इसमें कितने खिलाड़ी किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इसमें जानकारी दे रखी है। फिर इसमें दे रखा है आयोजित खेलों का विवरण। यहाँ पे ग्राम पंचायत पे गेम करवाए जाएंगे, यानी कि ग्राम पंचायत पे, यानी कि बिल्कुल छोटे लेवल पे पहले गेम करवाए जाएंगे, फिर ब्लॉक स्तर पे करवाए जाएंगे यानी कि पंचायत समिति, और फिर बात करें जिला स्तर पे, और फिर बात करें राज्य स्तर पे, तो ये अलग अलग गेम करवाए जाएंगे। अब बात करें
तो सबसे पहले यदि आपने आवेदन कर दिया है तो आप जिस पंचायत के थ्रू है, जब ऑप्शन आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आपके ग्राम पंचायत का नाम आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो उस पर सबमिट हो जाता है। तो वो इसलिए मांगा जाता है क्योंकि ये आप किस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो उस ग्राम पंचायत में गेम करवाए जाएंगे सबसे पहले, वहाँ से आपकी छंटनी की जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि सर हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो ये सबसे पहले आपने जिस ग्राम पंचायत से फॉर्म, जिस ग्राम पंचायत के लिए फॉर्म सबमिट किया है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। और ये गेम कब करवाई जाएंगी, जो ग्राम पंचायत स्तर पे गेम है ये आपके माह नवंबर 2021 में प्रस्तावित है, यानी कि 15 तारीख तक तो इसके आवेदन मांगे गए। इसका इसके इसके अनुसार आप ये मान सकते हो कि आपके 15 तारीख से लेकर के और 30 तारीख के बीच बीच में नवंबर के अंदर ये ग्राम पंचायत स्तर के गेम है करवाए जाएंगे, और ये आपके 2 दिन गेम चलेंगे। जितने भी इसके लिए आवेदन किया उन सबको वहाँ पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे गेम करवाया जाएगा, और इसके लिए भी एक कमेटी बनाएगी जिस पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले ग्राम पंचायत सत्र पे गेम करवाए जाएंगे, वहाँ पे आप प्रदर्शन आपका अच्छा रहता है वहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर आपको ब्लॉक स्तर पे भेजा जाएगा, यानी कि तहसील स्तर पे जो गेम है वहाँ पे भेजा जाएगा, और इसका भी आयोजन आपका नवंबर, यानी कि इन गेम के बाद में ये आयोजन करवाया जाएगा, और ये आयोजन आपका 4 दिन तक चलेगा। नवंबर के इसके पहले ग्राम पंचायत पे हो जाएगा और उसके बाद ब्लॉक स्तर पे यानी कि पंचायत समिति स्तर पे आपको भेजा जाएगा, और यहाँ पे गेम चलेंगे 4 दिन, यानी कि उस ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सब के खिलाड़ी जो सिलेक्टेड है उनको बुलाया जाएगा, वहाँ पे गेम करवाया जाएगा एक साथ, और फिर वहाँ से आपकी एक बार फिर छंटनी की जाएगी, आपको भेजा जाएगा जिला स्तर पर, और ये जिला स्तर पे जो गेम है ये आपके 2 दिन चलने वाले हैं। ये 2 दिन आपके जिला स्तर पे गेम, यानी कि जिले में जितनी भी तहसील है वहां से जितने भी खिलाड़ियों की छंटनी की गई है उनको जिला स्तर पे गेम करवाए जाएंगे, और ये गेम 2 दिन चलेंगे। अब जिला स्तर पे यदि आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है, जिन भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहता है टॉप परफॉर्मेंस जो खिलाड़ी है उनको फिर सेलेक्ट उनको किया जाएगा वहां से, और उसके बाद में उनको भेजा जाएगा राज्य स्तर पे गेम करवाए जाएंगे। राज्य स्तर पे गेम कौन करवाएगा, कहां पे करवाया जाएगा, और इसके अलावा अन्य जानकारी भी अपने आगे चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो अभी मैंने बताया आपको कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से करवाया गया हो जाएगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अपने बात करें तो सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर की बात करें, यहाँ पे एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में कौन कौन रहेगा, एक तो रहेंगे गाँव के सरपंच, और जो भी यहाँ पे नज़दीकी जो विद्यालय इसके अंतर्गत पड़ता है उसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जो राजकीय महाविद्यालय उनके ये सदस्य के तौर पे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इसमें। फिर ग्राम सचिव यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है, ग्राम सेक्रेटरी जिसको अपने बोलते हैं वो जाएंगे। पटवारी संबंधित जो हल्के से संबंधित है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और पीटीआई शारीरिक शिक्षक जो स्कूल में है वो आपके भी इसमें, ये एक इन सबसे मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी और आपका गेम करवाया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर। अब इस कमेटी का कार्य क्या है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा अन्य क्यों क्या क्या रहे, तो खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कि जिन्होंने जो खिलाड़ी इसके लिए आवेदन करना चाहता है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करवाना इन खेलों का प्रचार प्रसार, रेवेन्यू ग्राम की टीमों का चयन करना, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखना है कि यहाँ पे ग्राम की टीमों का चयन करना, पंचायत स्तर पर खेलों का आयोजन करना, और ये पंचायत स्तर पर खेल को आयोजन करवाया जाएगा, एक सेट खेल उपकरणों का कार्य। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जा रहा था बच्चों के द्वारा कि सर हमारे को यहाँ पे सामग्री लेके जानी है या वहाँ पे आपको खेलने के लिए हमें मिलेगा, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे रखा है कि आपको वहाँ पे खेलने के लिए सामान दिया जाएगा, जिस भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके अंदर जो भी सामग्री यूजेबल है वो आपको वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है ना। फिर इसमें दे रखा है ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता टीम को खेल किट व कार्य वितरण, ये सामग्री आपको प्रदान की जाएगी, और विजेता टीम को ब्लॉक स्तर में भाग लेने की व्यवस्था, यानी यहाँ से भी जो खिलाड़ी की छंटनी की जाएगी जो विजेता टीम रहेगी उनको फिर ब्लॉक स्तर पर भेजा जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ब्लॉक स्तर की बात करें, पहले तो ग्राम पंचायत स्तर पे, अब ब्लॉक स्तर पे कौन कौन होएगा, संयोजक यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी यानी कि जो आपका एसडीएम या तहसीलदार है वो, और फिर वहाँ पे प्रधान ये सदस्य रहेंगे, ब्लॉक विकास अधिकारी वीडियो, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला संबंधित जिला खेल अधिकारी जो इससे संबंधित है ये सब, और शारीरिक शिक्षक ये रहेंगे इसके अंदर सदस्य। तो ये कमेटी बन जाएगी इन सबसे मिला के, और इनके सामने फिर जितने भी ब्लॉक स्तर के अंदर जो जितने भी ग्राम पंचायत आती है उन सब के जो टीमें हैं जिनका सिलेक्शन पहले हो चुका है उनका फिर गेम करवाया जाएगा, वहाँ से आपको फिर वहाँ से एक छंटनी की जाएगी, वहाँ से एक टीम का सिलेक्शन किया जाएगा, जितनी भी पॉसिबल हो उसके वहाँ से टीमें बनाई जाएगी, और उनको फिर देखिए यहाँ पे विजेता टीम को जिला स्तर पर भाग लेने में व्यवस्था की जाएगी। तो इस टीम को एक जिला स्तर पर आपको भाग लेने के लिए भेजा जाएगा, और यहाँ पे आपके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और जो खेल सामग्री है उसकी व्यवस्था इनके द्वारा ही की जाएगी, इसमें आपको कोई भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
ये तो होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात करते हैं जिला स्तर पे, यानी कि आपकी छंटनी हो गई है और आप अच्छे परफॉर्मर रहे हैं और आप जिला स्तर की टीम में सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको जिला स्तर पे यहाँ पे गेम करवाए जाएंगे और इसकी कमेटी में ये सदस्य रहने वाले, जिसमें जिला कलेक्टर हो गए और SP हो गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया, खेल अधिकारी हो गया, जितने भी यहाँ पे ये सदस्य इसमें हो जाएंगे ये कमेटी। फिर आप इनके सामने यहाँ पे आपके फिर जिले के अंदर जितनी भी टीमें बनी हैं ब्लॉक स्तर पे, उन टीमों का यहाँ पे गेम करवाया जाएगा और जो भी यहाँ से टीम बनेगी जिला स्तर पे बेस्ट परफॉर्मेंस टीम, उसको राज्य में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पे भेजा जाएगा और यहाँ पे भी आपको खेल सामग्री प्रदान की जाएगी, रहने खाने पीने की सब व्यवस्था इनके द्वारा की जाएगी। अब बात करें तो यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो राज्य स्तर की टीम में, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और विजेता टीम में यानी कि जिला स्तर पे जो गेम है वहाँ पे आप अच्छे परफॉर्मर रहते हो, आपका सिलेक्शन राज्य स्तर पे हो जाता है, तो जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये गेम करवाए जाएंगे। यहाँ पे अपनी बात कर रखी है कब कब करवाए जाएंगे, देखिए लिस्ट दे रखी है। तो देखिए राज्य स्तरीय गेम ये अभी अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था दिसंबर नहीं होगा जनवरी में बोल रखा है, तो ये दिसंबर में या जनवरी में जब भी करवाए जाएंगे 4 दिन गेम चलेंगे और राज्य स्तर पे फिर आपको वहाँ पे गेम करवाए जाएंगे और गेम के बाद में वहाँ से जितने भी विजेता है उनको फिर राष्ट्रीय लेवल पे भी भेजा जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन अच्छी राशि भी दी जाएगी और जो भी आवश्यक सामग्री है वो भी प्रदान की जाएगी। तो ये रहेगी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो पूरी प्रोसेस है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से आपको आगे भेजा जाएगा, तो संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा हो सकता है कि अगर आप ग्राम स्तर पर विजेता रहे तो आपको वहाँ पर भी कुछ प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सम्मान स्वरूप कुछ भेंट प्रदान की जाएगी, जिला स्तर पर भी की जाएगी, तो ये बाद में देखने योग्य बात रहेगी कि यहाँ पे भी आपको क्या कुछ प्रदान किया जाता है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है, इसमें खाने पीने की व्यवस्था जब भी आप गेम करने जा रहे हो तो आगे व्यवस्था आपको प्रदान की जाएगी, सब व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा खेलने की सामग्री भी आपको वहाँ पे जिस गेम से आप बिलोंग करते हो उससे संबंधित आपको सामग्री भी दी जाएगी। तो बस आपको एक बार इसके लिए आवेदन करना है और जब भी इसके लिए नवंबर के लास्ट में गेम शुरू हो जाएंगे आपको वहाँ पे बुला लिया जाएगा, किसी भी माध्यम के तरह आपको बुला लिया जाएगा, या तो आपके पास जैसे आपने नंबर से अप्लाई किया है तो उसके अप्लाई किए गए नंबर अप्लाई से आपको फ़ोन कर दिया जाएगा या फिर आपको मैसेज कर दिया जाएगा, जैसे भी पॉसिबल हो सकेगा आपको वहाँ पर बुला लिया जाएगा और ग्राम स्तर पर आपके या फिर स्कूल का, अब बात आती है कि सर आयोजन कहाँ करवाया जाएगा, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूल के अंदर यदि कोई ग्राउंड है तो वहाँ पर या कोई गाँव के बीच में अन्य कोई ग्राउंड, जो भी व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा पॉसिबल होगी वहाँ पर आपके गेम जाएंगे और इस प्रकार से यह पूरी प्रोसेस संपन्न होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी, अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है आपका फिर भी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक।